हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हमारे जो टॉप 85 टॉपिक की हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज के अंतर्गत आज मैं बात करने वाला हूं राष्ट्रपति के ऊपर। इससे पहले मैंने यहां पे आरबीआई के दो पार्ट में कवर कराया था आपका। हमें राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है, मतलब किसी भी एग्जाम में ऐसा जल्दी से होता नहीं है कि राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। राष्ट्रपति से कुछ ना कुछ आपसे घुमा के या फिर सीधे आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें आपके दो लेक्चर बनेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जब मैं राष्ट्रपति के बारे में बात करता हूँ तो थोड़ा सा बेसिक बात अगर मैं कर लूँ राष्ट्रपति के बारे में, अगर थोड़ी सी बेसिक बात करूँ, ध्यान रखना भाई, राष्ट्रपति जो है ये देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है देश का ये प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक के होता है, ठीक है। देश का राष्ट्राध्यक्ष इसे कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। और देश की जो एकता और अखंडता है उसका परिचालक भी राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। देश की जो एकता है, देश की जो एकता व अखंडता, ठीक है, देश की एकता और अखंडता का परिचालक भी, परिचालक, ठीक है, परिचालक ये भी राष्ट्रपति होता है, ठीक। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना पे, ठीक है, जो हमारे देश की जो एक विशेषता है जिसे हम बोलते हैं संघीय विशेषता, क्या बोलता भाई, संघीय यानी कि फेडरल सिस्टम, ठीक है। संघीय विशेषता क्या होती है आप सिंपल समझना, संघीय का मतलब है संघ, संघ का मतलब है यूनियन, सर ये क्या होता है, ठीक है। संघीय व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें बीच में एक केंद्र सरकार होती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके चारों तरफ राज्य सरकारें होती हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जब बीच में एक सेंट्रलाइज पावर होती है और उसके चारों तरफ राज्य सरकारें होती हैं तो ऐसी व्यवस्था को ही संघीय व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंदर जो केंद्र सरकार होती है यानी कि जो सेंट्रल पावर होती है, ठीक है, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होती है और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है इसके पास पावर कम होती है। ऐसा कहे के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो आपके जो ये स्टेट हैं, संघ हैं, ये इससे अलग ना हो सकें, ठीक है, ताकि जो आपकी स्टेट हैं वो सेंटर केंद्र से अलग ना हो सकें। अगर ये इससे अलग हो जाएंगे तो भाई फिर संघीय व्यवस्था रही कहा जाएगी। इस वजह से जो राज्य हैं इन्हें कम पावर दी गई है और केंद्र को इसमें ज़्यादा पावर दी गई है, इसी विशेषता को बोलते हैं संघीय विशेषता। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है, ये जो संघीय, जो अपना संघीय सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, इसका, इसके दो प्रमुख होते हैं, ठीक है। जो संघीय व्यवस्था होती है इसके एक विशेषता और है, ठीक है। संघ हम किसे बोलेंगे, जहां बीच में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और चारों तरफ क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल के पास पावर ज्यादा होती है और स्टेट के पास पावर कम होती है, ऐसी विशेषता को हम संघीय विशेषता कहते हैं, पहली चीज। दूसरा, संघीय विशेषता के अंदर दो प्रधान होते हैं, ठीक है। एक जो होता है, एक नाममात्र का प्रधान होता है, नाममात्र का प्रधान, ठीक है, और दूसरा एक होता है वास्तविक प्रधान। एक होता है आपका वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है। जो नाममात्र के प्रधान के तौर पे हमारी संघीय व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखना, नाममात्र के प्रमुख होते हैं, लेकिन जो वास्तविक पावर है इस सेंटर की या फिर स्टेट की, वास्तविक पावर जो होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, आप ही ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब जो ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये हमारी संघीय व्यवस्था की यानी कि फेडरल सिस्टम की ये नाम मात्र क्या होते हैं, ये प्रधान होते हैं, आप ही ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे जब मैं राष्ट्रपति के बारे में बात करूंगा यहाँ पे, तो कुछ आर्टिकल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ आर्टिकल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में कुछ आर्टिकल आपको यहाँ पे ध्यान रख लेने हैं, कुछ आर्टिकलों में आपको यहाँ पे सबसे पहला, ठीक है, राष्ट्रपति के आर्टिकलों में आपको सबसे आर्टिकल देखिए आप, आपको नंबर एक आर्टिकल 52 आपको याद रखना है। सर आर्टिकल 52 में क्या है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन दिया गया है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन दिया गया है। अभी हम इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, सेकेंड, आपका फिर आर्टिकल 53 याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के कार्य दे रखे हैं, राष्ट्रपति क्या काम करते हैं और इनके पास पावर क्या है, इनके पास जो पावर है वो क्या है, वो आपको आर्टिकल 53 के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। आर्टिकल 54 में, अगर मैं 54 की बात करता हूं, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखा है, राष्ट्रपति किस तरह से निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखा है आर्टिकल 54 में, ठीक है। आर्टिकल 55 के अंदर, आर्टिकल 55 के अंदर निर्वाचन की रीति दे रखी है, निर्वाचन की विधि क्या है राष्ट्रपति के चुनाव होने की, वो आर्टिकल 55 के अंदर दी हुई है, ठीक। चले 55 के अंदर 52, 53, 54, 55,
56 में आर्टिकल 56 है, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल दे रखा है, पदावधि कार्यकाल दे रखा है, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं पदावधि दे रखी है, पदावधि, ठीक है। चलिए 57 में आर्टिकल, जो आपका 57 है, आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन दे रखा है, पुनर्निर्वाचन दे रखा है। पुनर्निर्वाचन बोलते हैं आप क्या, कि राष्ट्रपति को कितनी बार आखिर चुना जा सकता है, क्या एक राष्ट्रपति को हम अनियंत्रित बार चुन सकते हैं, वो सब किसमें दे रखा है, आर्टिकल 57 के अंदर दे रखा है, ठीक है। चलिए 57 के बाद जो अगला आपका आर्टिकल यहाँ पे वो है आपका यहाँ पे, ठीक है, आपको आर्टिकल 58 आपको याद रखना है, आर्टिकल 58, ठीक है। 58 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यता दे रखी है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कहाँ देखें यहाँ पे आर्टिकल 58 के अंदर, ठीक है। 58 के बाद हमें आप यहाँ पे आर्टिकल 60 याद रखना, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ का वर्णन दिया गया है, ठीक। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आप देखें यहाँ पे आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56 ये आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। 56 भी उतना नहीं, 52, 53, 54, 55। 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्यवाही शक्ति का है 53 में, 54 में क्या है निर्वाचन, 55 में क्या है निर्वाचन की रीति, ठीक है। 56, 57, 58, 59 और ये 60 जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। 56 के अंदर कार्यकाल और या पदावधि यहाँ पर दे रखी है, 57 में पुनर्निर्वाचन मतलब कितनी बार राष्ट्रपति का हम चुन सकते हैं, 58 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यता दे रखी है, और 60 में राष्ट्रपति को शपथ दे रखा है, ठीक। चलिए क्या सर इतनी आर्टिकल है, नहीं कुछ और आर्टिकल है, राष्ट्रपति के केस में आर्टिकलों की भरमार है, ठीक है, और ये सभी ज्यादातर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए 60 के बाद आपको यहाँ पे चार आर्टिकल और याद रखने, एक आपको यहाँ पे आर्टिकल 61 याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल 61 आपको यहाँ पे याद रखना है, और यहाँ पे आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में से क्या देखा आपने, राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग, राष्ट्रपति पर लगने वाला जो महाभियोग है ये आर्टिकल 61 में दे रखा है, ठीक है। चलिए देखिए आप, इसके अलावा एक आपको आप आर्टिकल 72 याद रखना है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है, याद ध्यान रखना। कौन सा बे, अभी देखिए अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, केवल आर्टिकलों के नाम लिख रहा हूँ, अभी इनके बारे में हम डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक। देखिए आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान दे रखा है, अभी आर्टिकल 123 के अंदर राष्ट्रपति को अध्यादेश की पावर दे रखी है। सर अध्यादेश क्या होता है, ध्यान रखना, जब कानून बनाना बहुत आवश्यक लगता हो राष्ट्रपति को, और कानून बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करने का टाइम जब नहीं होता है तो राष्ट्रपति के पास पावर है, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं, ठीक है। किसके अधीन है यहाँ पे, आर्टिकल 123। आखिरी आपको एक यहाँ पे 143 आपको याद रखना है, सॉरी 143 आर्टिकल क्या होता है, इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, बट ध्यान रखना सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, ठीक है। 143 के अंतर्गत क्या बोला, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, ठीक है, इनसे ये सलाह ले सकते हैं, सलाह, बट ये सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, आप ही ध्यान रखना, ठीक। चलो तो ये है राष्ट्रपति के बारे में जो प्रमुख आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं, याद रखना 52, 53, 54, 55 चार आर्टिकल आपके ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आर्टिकल 61, 62, 123 और 143, ठीक है। अगर आप मुझसे बोलोगे सर इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं आपसे बोलूंगा एक 52, एक बोलूंगा 53 और एक मैं आपसे बोलूंगा आप 72 और एक बोलूंगा 143, ठीक है। ये चार आर्टिकल आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए अब इन पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं, आर्टिकल 52 से इनको हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना पे जो आर्टिकल 53 है राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां, इसमें हम अलग से बात करेंगे, यानी कि अभी हम 52, 54, 55 इन पे हम अभी बात करते हैं, क्लियर हो गया। जो आर्टिकल हमारा 53 है इनके कार्य और शक्तियां, इसमें हम अलग से बात करेंगे, ठीक। चलो चलिए अब एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल 52, ठीक है। आर्टिकल 52 में सिंपल एक बात बोल रखी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। मतलब इसमें राष्ट्रपति के पद का डिस्कशन दे रखा, आपको यहां से बस इतना याद रखना है, इसमें राष्ट्रपति के पद का डिस्कशन है। देखिए अभी आर्टिकल जो आपका आर्टिकल जो 53 है, इसमें राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां हैं, कार्य व शक्तियां, इसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। अब देखिए अभी आर्टिकल आपका जो 54 है, आर्टिकल जो 54 है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखा है, निर्वाचन थोड़ा ध्यान समझ लेना, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, निर्वाचक एक मंडल होता है,
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ये जो निर्वाचक मंडल मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग देते हैं, जो लोग भाग लेते हैं उन्हीं को सब मिला करके निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को वोट देने के लिए सबसे पहले लोकसभा के सदस्य इसको वोट देते हैं, कहना पे लोकसभा के सदस्य, ठीक है। दूसरे धन का पे राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। और तीसरा विधानसभा के सदस्य इसको वोट देते हैं। लेकिन ध्यान रखना सारे कौन सदस्य होते हैं, ये केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं जो इलेक्ट होकर जाते हैं, मतलब इसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के सदस्य। इसके अलावा दिल्ली और जो पुदुचेरी है, दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य होते हैं, सदस्य ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो दिल्ली और पुदुचेरी है ये पहले ये शामिल इसमें नहीं थे, ठीक है, इनको बाद में शामिल किया गया, ठीक है। कब किया गया, उसके लिए एक संशोधन किया गया है, मैं आगे आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के 54 में अगला आर्टिकल जो है, आर्टिकल आपका जो 55 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दे रखी है। आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कैसे, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जिस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं उसे बोलते हैं समान, आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं समान प्रतिनिधित्व, ठीक है, समान अनुपातिक, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है, समान अनुपातिक है, एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली का इसमें प्रयोग किया जाता है, समान अनुपातिक मतलब क्या है, समान अनुपात में, ठीक है। समान अनुपात सर निकलता कैसे है, इसके लिए क्या करते हैं, वोट यानी कि जो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के और विधानसभा के सदस्य हैं इनका मत मूल्य निकाला जाता है, ठीक है, समान अनुपात निकाला जाता है। यानी कि जो लोग, एक बात भी देखिए, लोकसभा के मेंबर तो कम ही होते हैं, और भाई लोकसभा के टोटल मेंबर कितने हैं आपके, 545 मेंबर हैं लोकसभा के, ठीक है। और विधानसभा की अगर बात करते हो तो विधानसभा 403 विधायक तो केवल यूपी के हैं, ठीक है, 403 विधायक कहाँ के हैं, केवल यूपी के हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों का जो मत मूल्य है उसे इक्वल कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं समान अनुपात, ठीक है। और सर इसके लिए हम करते क्या हैं, समान अनुपात और प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत हम करते क्या हैं, हम इसके लिए हम मत मूल्य निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं जो विधायक होते हैं, विधायक का मत मूल्य मतलब क्या है, एक विधायक एक ही वोट डालता है लेकिन उसका मूल्य कितना है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोकसभा के, अब देखिए आप, अगर हम विधायक का मत मूल्य एक रखेंगे, लोकसभा के सदस्य का एक ही रखेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है विधायक का मत मूल्य, विधायक तो ज़्यादा ही हो जाएंगे, क्योंकि देश के अंदर विधायक तो बहुत ज़्यादा है, सांसद तो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की जनसंख्या को हम भाग देते हैं किससे, विधानसभा की जो निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से हम क्या करते हैं, इसको हम भाग देते हैं, मतलब राज्य की जनसंख्या को हम क्या करते हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर हैं, मतलब जिनको वोट देके चुना गया है उससे हम इसको भाग करते हैं। अब होता क्या है, ये जो डिजिट है, क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या देखिए, यूपी की जनसंख्या कितनी है, 24 करोड़ जनसंख्या, ठीक है, कितने विधायक हैं, 403 विधायक, ठीक है, उसको भाग देंगे तो बहुत बड़ी डिजिट निकलती है। इस परेशानी से बचने के लिए, ताकि डिजिट बहुत बड़ी ना हो, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इसे हम 1/1000 से हम इसे क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, ताकि ये डिजिट जो है हमारे पास आसान हो जाए और मत मूल्य जो है वो छोटा निकल के आए, कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक है। तो विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राज्य की जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या है उसको विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब जितने विधायक हैं उनकी संख्या से भाग करके, ठीक है, जो निकलता है वही होता है। लेकिन और आसान करने के लिए 1/1000 से उसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। इससे क्या निकलता है, आपका विधायक का मत मूल्य निकलता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब सांसद का मत मूल्य हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि सांसद हमारे कम होते हैं। सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो विधायकों का मत मूल्य निकला है, मैंने मान लिया ये टोटल आपका 100 निकला है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए विधायक का मत मूल्य निकालते हैं, विधायक का मत मूल्य निकाल करके उसे हम क्या करते हैं, जितने भी निर्वाचित सांसद हैं, ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं।
जितने भी हमारे निर्वाचित सांसद हैं इनसे हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। ध्यान रखना इससे क्या निकलता है, हमारा पे सांसद का मत मूल्य निकलता है। इसमें हम 1/1000 से भाग हम नहीं देते हैं ऐसा सरकार के लिए, क्योंकि देखिए आप विधायक का मत मूल्य हमने निकाल दिया ना, ये तो छोटी डिजिट निकलेगी आपके अभी, ये जब छोटी डिजिट आपकी निकलने वाली है और ऊपर से हम इसको निर्वाचित जो सांसदों की संख्या 545 इससे हम भाग भी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। हालांकि देखिए 545 सारे निर्वाचित नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ इसमें क्या कुछ मनोनीत होते हैं कुछ नहीं, लेकिन ध्यान रखना केवल निर्वाचित जो है उन्हीं से हम क्या करेंगे यहाँ पे भाग देंगे। ठीक, चले तो इससे क्या निकलता है आपका अभी सांसद का हमारे क्या निकला 1/1000। अब एक बात ये आती है, देखिए अभी कोई भी चुनाव होता है उसमें जीतने के लिए क्या होता है, जीतने के लिए सिंपल सा 50+1% यानी कि 50 यानी कि 50%, अगर आपके यहाँ पे 100 का टोटल वोटर हैं, ठीक है, तो 50+1 हमें वोट चाहिए हैं काय के लिए, जीतने के लिए। लेकिन ध्यान रखना इसके राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो इस तरह से वोट डालते हैं, मतलब सारे विधायकों ने वोट डाल दिया, सारे सांसदों ने वोट डाल दिया, अपना एक एक वोट डाल दिया, लेकिन इसमें एक तो हमारा नॉर्मल वोट पड़ता है जो हम डालते हैं जैसे हम डालते हैं, लेकिन दूसरा इसमें एक और सिस्टम होता है, इसमें एक वरीयता क्रम भी इसमें डालता है। वरीयता क्रम का मतलब क्या होता है, कभी अगर किसी केस में, ठीक है, अगर जो वोट हैं उनकी संख्या अगर बराबर हो गई तो क्या सर चुनाव दोबारा होंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है, चुनाव दोबारा नहीं होते हैं। सर क्या होता है, एक तो हम अपना वोट डालते हैं, दूसरा वरीयता क्रम डालते हैं। सपोज दैट चार लोग आप खड़े हैं ABCD, अगर चार लोग आपकी इसमें खड़े हुए इलेक्शन में, तो आपने क्या करा, अपना पहले तो एक वोट डाला आपको जिसको भी डालना है, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, अपना वरीयता क्रम दोगे। जाहिर सी बात है जगह आपने वोट बी को डाला है तो पहला क्रम तो आपका यही होगा क्योंकि आपने वोट बी से डाल दिया है। लेकिन अब अगर ये नहीं जीतता है इनकेश, तब आप किसे राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको सेकंड चॉइस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आपने दिया आपने सेकंड, आपने डी को दे दिया, आप सेकंड नंबर पे इसको देखना चाहते हैं, थर्ड नंबर पे आप इसको देखना चाहते हैं, फोर्थ नंबर पे आप इसको देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं वरीयता क्रम। अब होता क्या है, इनकेस अगर जो वोट है वो अगर बराबर आ जाते हैं, सपोज जैसे यहाँ पे ए और बी के वोट संख्या क्या यहाँ पे बराबर आ गई, तब देखा जाएगा कि वरीयता क्रम में कितने वोट बी को मिले कितने ए को मिले हैं, ठीक है, और फिर वरीयता क्रम के हिसाब से अगर बी को ज्यादा वोट मिले हैं तो भाई वी जो है वरीयता क्रम में आगे है तो इसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। क्लियर होगा, ठीक है, तो ये है आपके यहां पे इसके निर्वाचक मंडल की निर्वाचन प्रणाली जो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर गया, चलिए अब देखिए यहां पे, चलिए तो 54 में क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन था, 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति। 55 का थोड़ा सा अगर मैं आगे पढ़ता हूं यहां पे तो आर्टिकल 56 आपको याद रखना है, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि दे रखी है, पदावधि, ठीक है, पदावधि बोले तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, कार्यकाल, ठीक है। ध्यान रखना राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ये हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी हटाए जा सकते हैं, ये हम जानते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया लगती है आर्टिकल 61 के तहत, जो भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन देखिए आप 5 वर्ष से पहले अगर राष्ट्रपति को खुद त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। ध्यान रखना जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं। क्या सर ऐसा कभी किसी ने किया है, बिल्कुल ध्यान रखना पे वी गिरी, एक नाम याद रखना पे वी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया था, याद ध्यान रखना। देखिए पे जब वी गिरी उपराष्ट्रपति थे लेकिन ये राष्ट्रपति का इन्होंने कार्यभार संभाला, उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव हो गए थे तो फिर इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना था, इसलिए इन्होंने अपना पद त्याग दिया। और जब वी गिरी ने अपना पद त्याग दिया था तब याद रखना जब राष्ट्र पहले तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका अदा करते हैं, जो किया है जो भूमिका अदा करी किसने, आप वी गिरी ने। लेकिन इनके से अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, जैसा कि वी गिरी फिर यहाँ पे नहीं थे क्योंकि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था, तब फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। क्या सर ऐसा कभी किसने किया है, बिल्कुल किया है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अभी आपके अभी पटवारी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भूमिका अदा की थी। ध्यान रखना ये एकमात्र जो है मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक है। चलिए 56 के बाद अगला था 57 में,
आर्टिकल जो आपका 57 है इसमें राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन पुनर्निर्वाचन दिया गया है। सर ये पुनर्निर्वाचन क्या होता है कि राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है, ध्यान रखना इसके लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, कितनी भी बार राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति कितनी बार चुन सकते हैं, ठीक है, कितनी भी बार जो है वो चुना जा सकता है एक व्यक्ति को राष्ट्रपति, आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 57 के बाद में आता हूं अगला 58 में राष्ट्रपति की योग्यता दे रखी है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो भाई आपके अंदर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ध्यान रखना आपके अंदर में 4 तरह की योग्यता होनी चाहिए अगर आपको राष्ट्रपति बनना है। पहली योग्यता आपकी एज जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, पहली योग्यता आपकी एज जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए है। दूसरा याद रखना आप लोकसभा व राज्यसभा, ठीक है, सॉरी आप लोकसभा के सदस्य, आप लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। अगर आप लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, सर योग्यता क्या होती है, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए, ठीक है, जितनी एज चाहिए है, जो जो चीज चाहिए, ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता आप रखते हो तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, आप ध्यान रखना भैया। इसके अलावा तीसरा, ठीक है, आप किसी लाभ के पद पर, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब क्या नीचे आपका पे सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या भाई 35 वर्ष एज बहुतों की होगी, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता सभी की होगी लगभग, ठीक है, और लाभ के पद पर सरकारी नौकरी ना हो बहुतों की नहीं होती है, ठीक है। तो भाई सब लोग राष्ट्रपति क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि चौथी कंडीशन जो आपको चाहिए है वो बहुत टफ होती है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या चाहिए आप, 50 आपको चाहिए है अनुमोदक, अनुमोदक सर 50 अनुमोदक क्या होते हैं, मतलब 50 सांसद जो निर्वाचक मंडल है ना, निर्वाचक मंडल में क्या क्या होता है, एक सांसद होते हैं और एक क्या होते हैं, विधायक होते हैं, ठीक है। तो सांसद और विधायक, चाहे तो सांसद हो चाहे विधायक हो, 50 ऐसे सांसद या विधायक होने चाहिए हैं जो बोले कि भाई इनको राष्ट्रपति बनाओ, ये बहुत अच्छे हैं। और दूसरा 50 जो हैं, ठीक है, सॉरी 50 जो है आपके प्रस्तावक होने चाहिए हैं, 50 प्रस्तावक होने चाहिए हैं, जो अगर आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हो कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, 50 लोग बोले हाँ भाई ठीक है इनको बनना चाहिए, अच्छे आदमी है। और दूसरा 50 आपके अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक, ठीक है, जो अनुमोदन करें, हाँ जो ये 50 लोग बोल रहे हैं ऊपर वाले ये सही बोल रहे हैं, ये मतलब आपको 100 लोग चाहिए हैं जो ऐसा बोले, ठीक है। अब 100 जो लोग हैं भाई जाहिर सी बात है ये वही होंगे जिसकी सरकार होगी, है कि नहीं, ठीक है, जिसके विधायक होंगे, जिसके सांसद होंगे, तो राष्ट्रपति भी उन्हीं का होता है, बेसिकली प्रधानमंत्री ही इस तरह से काम सब चीजें चलती हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, देखिए आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए एक जमानत राशि होती है, जमानत राशि याद रखना, जो जमानत राशि होती है ये होती है 15,000 रुपये, कितनी होती है आप 15,000 रुपये की जमानत राशि होती है, इसे NOC कहा जाता है। ये जो जमानत राशि है अगर आप चुनाव लड़ रहे हो और अगर आपको 1/6% वोट से अगर आपको कम वोट मिलते हैं तब आपकी जमानत राशि जो है ये जब्त हो जाती है। रकम बहुत बड़ी नहीं है लेकिन इज्जत बहुत बड़ी होती है यहाँ पे, अगर 6% कम वोट पड़े तो भैया ये इज्जत की बात होती है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक आखिरी बात, आर्टिकल 60 आपको एक ध्यान रखना है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा इस बारे में डिस्कशन दिया गया है, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, क्लियर हो गया। तो इस वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रपति और इनके जो कुछ प्रमुख आर्टिकल हमने यहाँ पे बात कर ली है, राष्ट्रपति की शक्तियां और इसके कुछ बचे आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में अंदर कवर करेंगे, ठीक है, तो बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।